नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट फोर। जैन ने नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। बब्बन की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। उसके हाथ में रिवॉल्वर नाच उठी। जैन ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। खोलो दरवाजा। जैन के चेहरे पर शक्ति उभर आई, चेहरे पर कठोरता भरी शक्ति। मेरे ख्याल में देवराज चौहान आया हो सकता है, जैन ने कहा। तुम खोलो तो सही, देख लेंगे साले को अगर कोई टेढ़ा हुआ तो। बब्बन के होठों से धीमी सी गुर्राहट निकली। वह एकाएक किसी वहशी दरिंदे की तरह नजर आने लगा था। रिवॉल्वर थामे जयंत आगे बढ़ा। बेल पुनः बजी। जयंत ने सिटकनी हटाई तो दरवाजे के पल्लों को तीव्रता से धक्का लगा और गनों की दो नाले जयंत की छाती पर टिकी और उसे वापस धक्का देकर कमरे में ले गई। अगले ही पल जयंत के शरीर से नाल हटी और उसका रुख बब्बन की तरफ हो गया। यह सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। बब्बन कुछ करने वाला था, कर भी गुजरता कि करते करते ठिठक गया। उसकी निगाहें दरवाजे पर जाकर ठिठक गई। वहां पर डाबर बागले का चीफ कमांडो जल्लाद खतरनाक भेड़िया खुराना खड़ा था। उसके हाथ की उंगलियों में सिगरेट सुलग रही थी और उसकी खतरनाक खूनी सर्द निगाह बब्बन पर टिकी थी। बब्बन की आंखों में फिर सुर्खी भर आई थी। बब्बन को उसके पीछे भी मौजूद गन मैनों की झलक मिली। कई क्षणों के लिए वहां पर मौत का सन्नाटा छाया रहा। हक्का बक्का सा जयंत बब्बन को देख रहा था, क्योंकि बब्बन ने कुछ पल पूर्व ही कहा था कि खुराना उसका दोस्त है, खुराना से डरने की जरूरत नहीं। परंतु जयंत को नजारा ही कुछ और नजर आ रहा था। बब्बन और खुराना खूनी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। खुराना दरवाजे से हिला और खतरनाक अंदाज में चलकर बीचों बीच आ खड़ा हुआ, और इस दौरान खुराना की निगाह बब्बन के चेहरे से नहीं हटी थी। तुम मेरे आदमियों पर गोली चलाने जा रहे थे, खुराना की आवाज बेहद भयानक थी। हाँ, बब्बन का लहजा खुराना से किसी तरह कम नहीं था। मुझे जानते हो खुराना, अब क्या इरादा है? खुराना अब वास्तव में भेड़िया सा ही लगने लगा था। अगर तुम्हारा इरादा ठीक है तो मेरे इरादों में कोई कमी नहीं है, खुराना एकाएक और भी बड़ा दरिंदा लगने लगा। तुम अपनी बराबरी खुराना से कर रहे हो और कहते हो मुझे भी जानते हो। इन दोनों बातों में कोई भी बात गलत नहीं है। तुम खुराना हो, मैं बता ही चुका हूँ। अगर तुम कुछ करने की चेष्टा करोगे तो मैं बराबरी भी करूँगा। मैं तुम्हें मर्द नज़र नहीं आ रहा क्या? आधे मिनट में ही तुमने मुझमें कोई कमी देख ली हो तो कह दो, सुधार लूँगा, बब्बन दांत किटकिटा कर रह उठा। खुराना का चेहरा क्रोध से तपकर एकाएक स्याह लगने लगा। कौन हो तुम? बब्बन, पहले तुम्हें कभी अजमेर में नहीं देखा? जयपुर से आया हूँ। किस गली के दादा हो जो खुराना के सामने छाती ठोकने की चेष्टा कर रहे हो? छाती ठोकने की चेष्टा कर नहीं रहा खुराना, ठोक चुका हूँ, बब्बन की आवाज़ में खतरनाक भाव आए। और मैं जयपुर में किसी गली का दादा ना तो कभी रहा हूँ और ना अब हूँ, बब्बन सिर्फ बब्बन है। जैन का गला खुश्क हो चुका था। जिस अंदाज से बब्बन खुराना से बात कर रहा था उसे देखते हुए स्पष्ट था कि खुराना बब्बन की धज्जियाँ उड़ाने से पहले यहाँ से हिलने वाला नहीं। कमरे में मौजूद खुराना के दोनों कमांडो बेहद सजग थे। खुराना और बब्बन के बीच क्या बातें हो रही है इस बात से तो उन्हें दूर दूर तक भी वास्ता नहीं था। दरवाजे पर सतर्क मुद्रा में खड़े अन्य दो कमांडो भी ऐसी ही स्थिति में थे। किसी का इतना भौंकना मैं बर्दाश्त नहीं करता, खुराना ने सर्द लहजे में कहा। मैं? यही बात मैं तुमसे कहता हूँ खुराना, कि अपने सामने खड़े टेढ़े इंसान को मैं किसी भी हाल में इतनी देर सहन नहीं करता। किस्मत वाले हो कि अभी तक बचे हुए हो, बब्बन उसकी बात काटकर कह उठा। गोली मार दो, क्यों बचा रखा है तुमने मुझे? खुराना कहर भरे स्वर में कह उठा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, खुराना दरिंदगी से भरी हंसी हंस पड़ा। किसने बांध दिए तुम्हारे हाथ? खुराना की आवाज़ में जहन भर की कहरता नाच रही थी। बब्बन दांत भीजे खुराना को देखता रहा, जवाब में कुछ नहीं कहा। मुझे तो तुम्हारे हाथ खुले लग रहे हैं, खुराना पुनः वैसी ही हंसी हंसा। बाहर चलकर बात करते हैं, बब्बन ने उंगलियों में फंसी रिवॉल्वर नचाई। बाहर चलकर? खुराना की आंखों में मौत के भाव नाचे। अकेले में? क्यों, यहाँ क्या है? खुराना कड़वे स्वर में बोला। मौत को सामने देखकर अब पैतरा बदल रहे हो? बब्बन का चेहरा खतरनाक जानवर की तरह लगने लगा।
बब्बन को मौत का डर मत दिखाओ खुराना, वरना कुछ हो जाएगा। मुझे मौत का डर होता तो कब का मर चुका होता। मौत का डर नहीं, इसी कारण तो जिंदा हूँ। रही बात अकेले में बात करने की, तो बात शुरू होते ही तुम समझ जाओगे कि अकेले में बात करने का क्या मजा है। ठीक है, खुराना ने कहर से कहा, तुम बेशक मेरे गले मिलकर बात कर लो, मुझे जरा भी ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे सामने ना तो तुम्हारी कोई चालाकी काम आएगी और ना ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जवाब में बब्बन सिर्फ हंसकर रह गया। खुराना ने सुलगती निगाहों से जयंत को देखा। जयंत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बब्बन से कहा, तुम तो कह रहे थे कि खुराना तुम्हारा दोस्त है। हाँ। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। बब्बन के होठों पर छाई मुस्कान और भी गहरी हो गई। लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रहा हूँ, जयंत का स्वर उखड़ेपन में आ गया था। तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही, कुछ देर बाद ठीक से देखने लगेगी। बब्बन के जवाब पर जयंत कुछ नहीं कह सका। मेरे बारे में इसने तुम्हें ऐसा कहा? खुराना ने जहरीले स्वर में जयंत से पूछा। सुन तो लिया है तुमने, फिर दोबारा क्यों पूछते हो? जयंत ने गहरी सांस ली। खुराना ने कहर भरी निगाह बब्बन पर डाली। बब्बन के चेहरे पर जैसे स्थायी मुस्कान छाई हुई थी। खुराना ने दांत भींचकर गर्दन घुमाई और जयंत से बोला, देवराज चौहान कहाँ है? देवराज चौहान? जयंत के होठों से निकला। हाँ, देवराज चौहान, वह यहीं डेरा डाले था तुम्हारे इस घर में। खुराना ने दांत भींचे। डाले था डेरा, जयंत ने जल्दी से कहा, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। कहाँ गया? मालूम नहीं। कब लौटेगा? कब लौटेगा? जैन ने घबराई सी निगाह खुराना पर डाली। वह नहीं लौटेगा, कल शाम को ही यहाँ से चला गया है, वह नहीं लौटने वाला। उसने कहा था कि यह जगह तुम जानते हो और उसके लिए कभी भी यहाँ आ सकते हो, इसलिए वह यहाँ से चला गया, कल शाम की बात है। खुराना की कठोर निगाह जैन के चेहरे पर टिकी रही। झूठ बोलते हो? खुराना गुर्राया। सच कह रहा हूँ, देवराज चौहान से पूछ लेना, जैन घबरा कर बोला। उसके साथ कोई है या अकेला है देवराज चौहान? खुराना ने पूर्वता लहजे में पूछा। है, शंकर नाग है। शंकर नाग? पुष्कर के गौ घाट के पुजारी का लड़का है, लेकिन अजमेर में चोरी चकारी करता है। वैसे है तो वह काबिल, परंतु क्राइम में वह इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया कि उसे खून खराबा पसंद नहीं है। कहाँ रहता है शंकर नाग? खुराना के दांत भींचे हुए थे। मालूम नहीं, मेरा उससे कभी कोई वास्ता नहीं रहा। जबकि सरासर जयंत शंकर नाग का घर जानता था। इसमें से कौन सी बात झूठ है? कोई भी न नहीं, अगर कोई बात झूठ निकली तो जानता है तेरा क्या होगा? हाँ, सब कुछ मालूम है मुझे, मैंने सच कहा है जो भी कहा है। जयंत को इस समय खुराना मौत का दूसरा रूप लग रहा था, जबकि वह खुराना की परछाई से भी दूर रहना चाहता था। खुराना ने जयंत के घबराए चेहरे से मौत से भरी निगाह हटाई और बब्बन को देखा। अब तुम बोलो, खुराना की आवाज़ भयानक सी हो रही थी। बाहर चलो, बब्बन शांत स्वर में बोला, अकेले में बात करो। अगर तुम्हारी बात में दम नहीं हुआ तो वहीं खड़े खड़े शूट कर दूंगा। कर देना, मना कौन करता है? बब्बन हंसा। खुराना और भी सुलग उठा। अपनी रिवॉल्वर मेरे हवाले करो। बब्बन ने रिवॉल्वर पर निगाह मारी, पल भर सोचा, फिर खुराना की तरफ उछाल दी। खुराना ने रिवॉल्वर हथेली में कैद की और उसे जेब में डाला और वहाँ मौजूद दोनों कमांडो से बोला, तुम दोनों यहीं रहो। इसके साथ ही खुराना पलटकर बाहर की तरफ बढ़ा। बब्बन उसके पीछे हो गया। दरवाजे पर खड़े गन्ने थामे दोनों कमांडोज ने उन्हें रास्ता दे दिया। बाहर आते ही बब्बन ठिठका। उसकी निगाह सामने खड़ी दोनों कारों पर जा टिकी, जहाँ करीब 10 और कमांडोज गनों के साथ मौजूद थे। खुराना ने पलटकर सख्त निगाहों से उसे देखा। क्या हुआ? तुम्हारी फौज को देख रहा हूँ, बब्बन ने तीखे स्वर में कहा। फिर बोला, मुझे फ़ोन करना है। तुम तो मुझसे बात करने वाले थे, खुराना ने मौत से लड़े स्वर में कहा। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन करना है। बब्बन ने उसकी आंखों में झांका। किसे? खुराना को अब लगने लगा था कि इसे वह और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डाबर या वागले, दोनों में से किसी को भी। खुराना चौंका, उसके होठों पर सख्ती के साथ भिज गए। तुम्हारा वागले डाबर से क्या वास्ता है? जो तुम्हारा है, बब्बन का स्वर तीखा था। क्या? खुराना के जर्रे जर्रे में कठोरता भराई। क्या बोला तुमने? जो रिश्तेदारी तुम्हारी डाबर वागले से है, वही रिश्तेदारी मेरी है। खुराना कई पलों तक बब्बन को घूरता रहा
और बब्बन मुस्कुराता रहा। तुम्हारी इस बकवास पर कौन विश्वास करेगा? मेरा न सही, डाबर वागले की बकवास पर तो विश्वास कर सकते हो। खुराना ने दोबारा बब्बन से बात नहीं की। उसने अपने कमांडोज को वहीं रहने को कहा। बब्बन को साथ लिए कार में आ बैठा और दो कमांडोज साथ ले लिए। एक कमांडोज ने ड्राइविंग सीट संभाली और खुराना के आदेश पर कार आगे बढ़ा दी। नज़दीकी फ़ोन बूथ से बब्बन ने डाबर वागले से बात की। खुराना उसके सिर पर खड़ा था। नमस्कार वागले साहब। बब्बन की बात वागले से हुई। मैं बब्बन बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ जो तुमने फ़ोन कर लिया। वागले की आवाज़ बब्बन के कानों में पड़ी। सुनो बब्बन, आज और कल की स्थिति में फ़र्क है। देवराज चौहान हमारे पीछे पड़ गया है। उसने हमें उड़ाने की धमकी दी है। वह हरामजादा कुछ भी कर सकता है। सोने की तलाश छोड़ो और देवराज चौहान का खात्मा करो। तुम उन लोगों के बीच में घुसे हुए हो, यह काम आसानी से कर सकते हो। लेकिन वह तो यहाँ से जा चुका है। मेरे साथ सिर्फ जयंत है, बब्बन ने कहा। तो फिर जैसे भी हो, देवराज चौहान को तलाश करके उसे खत्म करो, समझे? वह हमारे लिए बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। ऐसा हो गया तो हमारे हक में ठीक नहीं होगा। सांप का फन उठने से पहले ही कुचल दो, और फिर देवराज चौहान तो काफ़ी जहरीला है, वागले सख्त स्वर में कह रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या हो सकता है। क्या नहीं हो सकता बब्बन, कुछ करो, कुछ करने में ही हम सबका। मैं समझ गया, बब्बन ने वागले की बात काटी। मेरे पास इस समय खुराना खड़ा है। खुराना? तुम्हारे पास? मैं समझा नहीं। आप खुराना से बात कर लीजिए, वह आपसे कुछ पूछना चाहता है। बब्बन ने रिसीवर खुराना की तरफ बढ़ाया। खुराना ने गहरी निगाहों से बब्बन को देखते हुए रिसीवर थामा। हेलो, क्या बात है खुराना? बब्बन तुम्हारे साथ कैसे? वागले की आवाज़ आई। यह मुझे जयंत के साथ मिला है और शायद मेरे हाथों मारा भी जाता। बस रहने दो, वागले का सख्त स्वर खुराना के कानों में पड़ा। बब्बन से दूर हट जाओ, नहीं तो हमें तुम दोनों में से एक को खोना पड़ेगा। बब्बन से मत टकरा बैठना, इसे छोड़कर अपने काम में लग जाओ। लेकिन यह बब्बन है कौन? मैंने पहले तो कभी। सारी बातें फ़ोन पर ही करोगे? बब्बन के और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, अलग हो जाओ। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से वागले ने रिसीवर रख दिया। खुराना ने रिसीवर रखा, बब्बन को देखा। बब्बन शांत निगाहों से खुराना को देख रहा था। कौन हो तुम? खुराना का लहजा अब शांत और सामान्य था। डाबर वागले से पूछ लेना, बब्बन ने मुस्कुराकर कहा और बूथ से बाहर निकल गया। देवराज चौहान डाबर वागले के सट्टा बाजार में पहुंचा। चोरी छिपे ढके अंदाज में चलाया जा रहा सट्टा बाजार पतली गली में गुजर कर आगे बहुत ही खुले बड़े मकान में था। पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल थी सट्टा बाजार को। पुलिस वैसे ही डाबर वागले के कामों में दखल देने से कतराती थी। ऐसे में डाबर वागले की तरफ से बंधा बंधाया मोटा हफ्ता मिल जाए तो पुलिस को और क्या चाहिए था। सब कुछ दे दिलाकर डाबर वागले को रोजाना की इस सट्टा बाजार से करीब 5 लाख की कमाई थी, जो कि अपने आप में मोटी रकम थी। महीने का 1.5 करोड़ बनता था। उसके यहाँ सट्टा लगाने वाले, नंबर लगाने वाले अजमेर के ही नहीं, बाहर के भी बड़े बड़े सेठ और लाला थे, जो कि फ़ोन पर ही अंक बताकर सट्टा खेलते थे। उनके लेन देन के लिए डाबर वागले के 50 आदमी इस शहर से उस शहर दौड़ते रहते थे। सालों से चल रहा डाबर वागले का सट्टा बाजार बहुत फल फूल रहा था। नाइट रेस्टोरेंट जुआघर से ज़्यादा कमाई इस सट्टा बाजार से हासिल होती थी। सट्टा बाजार में 2 बार अंक निकाला जाता था, सुबह और शाम। इसलिए 9 बजते ही वहाँ हलचल होनी आरंभ हो जाती थी। पहले अंक का समय 12 बजे का था और दूसरे का 6 बजे। सट्टे पर पैसा लगाने वालों की वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। 12 बज रहे थे। सट्टे का नंबर निकलने का वक्त हो चुका था। नंबर निकलने के समय सट्टे बाजारी का मैनेजर वासवानी खुद वहाँ मौजूद होता था और नंबर सबके सामने निकाले जाने के पश्चात नंबर की घोषणा वह खुद करता था। 35 वर्षीय वासवानी एक नंबर का हरामी बदमाश था। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अकेले वासवानी ने ही सालों से इस गुंडागर्दी के बाजार को संभाल रखा था। अगर कोई सट्टा बाजार के लिए झंझट खड़ा करते की चेष्टा करता तो वासवानी उसे पीछे के हिस्से में ले जाकर अपने हाथों से उसकी हत्या करता और उसके आदमी लाश को वहां से दूर फेंक आते। सारा काम इस ढंग से होता कि बाद में भी सब ठीक चलता रहता। हर रात खुद वासवानी सट्टा बाजार की कमाई डाबर वागले तक पहुंचाने जाता। बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
देवराज चौहान ने भरपूर निगाह चारों तरफ डाली। वहां पैदा होने वाला शोर हर शोर को मात कर रहा था। चूंकि नंबर निकाले जाने वाला था, इसलिए शोर में और भी बढ़ोतरी हो गई थी। अपना पसंदीदा अंक लेने के लिए लोग हाथ में नोट और नोटों की गड्डियां थामे खिड़की पर भीड़ में लपकने की चेष्टा कर रहे थे। बुरे हाल हो रहे थे इस सट्टा बाजार के। देवराज चौहान जेबों में हाथ डाले लापरवाही भरे अंदाज में वहां घूमता रहा। सट्टे के निकाले जाने वाले नंबर से उसे कोई वास्ता नहीं था। जहां शोर और भीड़ ने मच्छी बाजार से भी बुरा हाल कर रखा था, वह तो अपने पसंद की जगह तलाश कर रहा था। देवराज चौहान ने हाथ में पुराना सा थैला थाम रखा था। देखने वालों ने यही अंदाजा लगाया था कि सट्टा खेलने के लिए उसमें नोटों की गड्डियां होंगी। यह दो मंजिला आलिशान पुरानी बिल्डिंग थी। नीचे वाला हिस्सा सट्टे के लिए इस्तेमाल होता था। उसके ऊपर रिहायशी व ऑफिस वगैरह थे। दूसरी मंजिल खाली पड़ी थी। क्योंकि नीचे अंक निकाला जा रहा था, इसलिए ऊपर के हिस्से लगभग खाली थे। वहां कोई नौकर या कर्मचारी नहीं था। खुद वासवानी भी नीचे गया हुआ था। देवराज चौहान दूसरी मंजिल पर पहुंचा। तीन बम उसने वहां फिक्स करके उनका टाइम सेट किया। फिर पहली मंजिल पर चार बम लगाए। उसके बाद वह सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां नंबर निकल चुका था और कानों को फाड़ देने वाला शोर पड़ा हुआ था। देवराज चौहान की वासवानी व्यस्त नजर आया। साथ ही देवराज चौहान को महसूस हुआ कि इमारत के इस हिस्से में बम फिट करना कठिन काम है। किसी की भी निगाह उस पर पड़ सकती है। बहरहाल काम तो करना ही था। उसने थैले में मौजूद बचे चारों बमों को किसी तरह निगाह बचाकर खास खास जगह पर उन्हें फिक्स कर दिया। यह सब काम करके देवराज को पूरा घंटा लग गया था। उसने सब जगह निगाह दौड़ाई। हर कोई व्यस्त ही नजर आया। सट्टा बाजार में फुर्सत का सांस देने की मोहलत ही किसके पास थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और पहली मंजिल पर जा पहुंचा, जहां वासवानी का ऑफिस था। वह बड़े बड़े रजिस्टर खोले हिसाब लगाने में व्यस्त था। इस काम में दो आदमी उसकी सहायता कर रहे थे। देवराज चौहान के भीतर प्रवेश करने पर रजिस्टर से निगाह हटाकर वासवानी ने उखड़ी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही वासवानी कह उठा, जो भी काम हो नीचे खिड़की पर जाकर निपटो। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं। मुझे खिड़की वाला काम नहीं है। देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी मुस्कान नाच उठी। यहाँ पर किसी बाहरी आदमी से बात नहीं की जाती। सट्टे का काम नीचे होता है, जाओ। वहाँ सट्टा नोटों का होता है, दौलत का होता है, देवराज चौहान पूर्वता लहजे में कह रहा था। और मैं मौत का सट्टा खेलता हूँ, जो कि मेरे ख्याल में ऊपर ही हो सकता है। वासवानी की आंखें सिकुड़ गई। मौत का सट्टा खेलने आए हो मेरे साथ? इरादा तो ऐसा ही है। कितना हार गए हो? वासवानी की आवाज़ खतरनाक हो उठी थी। मैं दौलत नहीं, इंसानों को हारता हूँ। क्या मतलब? वासवानी देवराज चौहान की बात समझने की चेष्टा करने लगा। देवराज चौहान पलटा और दरवाजा बंद करके भीतर से सिटकने लगा दी। वासवानी की आंखों में मौत की चमक उभरी। वह सतर्क हो गया। उसके साथी भी तैयार हो गए थे। मतलब यह है कि मैं अपने दोस्त को वापस पाना चाहता हूँ। जगमोहन नाम है उसका, डाबर वागरे की कैद में है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जगमोहन का पता बताकर मौत का सट्टा जीत सकते हो, जिंदगी जी सकते हो। वासवानी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। बिजली के झटके की तरह वह खड़ा हो गया। कभी उसकी आंखें फैल जाती तो कभी सिकुड़ जाती। कई सेकंडों तक उसका यही हाल रहा। देवराज चौहान सर भाव से वासवानी को देखता रहा। यह तो बहुत बुरे ढंग से बात कर रहा है, वासवानी के साथी ने कहा। इसे तो जमीन से चुपता करके आसमान में पहुंचा देना चाहिए, दूसरा बोला। वासवानी को जैसे होश आया। जगमोहन? जगमोहन नाम लिया ना तुमने, जो डाबर बागले की कैद में है? वासवानी के होठों से निकला। हाँ, देवराज चौहान ने शराफत से सिर हिलाया। तुम देवराज चौहान तो नहीं? हाँ, मैं देवराज चौहान ही हूँ। वासवानी को खुद ही ऐसा लगा जैसे वह जोरों से हिल गया हो। अगले ही पल उसे अपनी स्थिति और अपने वासवानी होने का एहसास हुआ। साथ ही उसे ध्यान आया कि उसके सट्टा बाजार में करीब 15 हथियारबंद आदमी मौजूद हैं। अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई तो वह सब संभाल लेंगे। चंद ही क्षणों में वासवानी सामान्य नजर आने लगा। देवराज चौहान, वासवानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बारे में मुझ तक खबर पहुंच चुकी है कि जहां भी तुम नजर आओ तुम्हें फौरन खत्म कर दिया जाए। तुम गलत जगह आकर फंस गए देवराज चौहान। क्यों? क्योंकि तुम अब यहां से सलामत नहीं जा सकते।
यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। यहाँ की कोई भी बात कभी भी मेरी हद से बाहर नहीं हुई। वासवानी के स्वर में खुंकारता उभर आई थी। और अब तुम्हारी मौत होना भी मेरे बस के बाहर की बात नहीं है। तुम मेरे हाथों से मरोगे। अच्छा, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम सामने वाले को हाथों से मारना ज़्यादा पसंद करते हो, हथियार कम ही इस्तेमाल करते हो। वाह, तुम तो मेरे बारे में पूरी जानकारी ढूंढ ढांड कर लाए हो। बता दिया किसी ने, देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। तुम कैसे मरना पसंद करोगे, हाथों से या रिवॉल्वर की गोली से? जैसे भी तुम ठीक समझो। तुम्हें तो हाथों से मारकर ही वाहवाही लूटी जा सकती है, वासवानी ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। जिस इंसान की जान आज तक कोई गोली ना ले पाई, उसे हाथों से मारने में काफ़ी मजा आएगा। देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी कहर पूर्ण मुस्कान फैली। अब मारने से पहले यह तो बता दो कि जगमोहन कहाँ कैद है। जरूर बताता अगर मुझे मालूम होता, वासवानी का रंग खतरनाक भावों में बदलने लगा था। नहीं मालूम, उसकी बात पर ध्यान न देकर वासवानी मौत भरे स्वर में कह उठा। तुमने एक जुआ घर को उड़ाकर सोच लिया कि तुमने जंग जीत ली या जीत लोगे, यह भूल थी तुम्हारी। डाबर बागले को तुम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, बहुत ताकत रखते हैं वह। तुम उनके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखते। मैं तुम्हें ऐसे मसलूंगा कि तुम्हारी लाश भी पहचानी नहीं जाएगी। हाथों से मसलोगे ना? हाँ, फिर तो ठीक है, देवराज चौहान की आवाज़ में क्रूरता भरती चली गई। वासवानी ने अपने दोनों साथियों को देखकर क्रूरता भरे स्वर में कहा, मैं इसे हाथों से खत्म करूंगा, और अगर पासा पलटते देखो तो रिवॉल्वर से इसे शूट कर देना। देवराज चौहान के होठों से वहशी गुर्राहट निकली। कर दी ना हरामियों वाली बात, लड़ाई हाथों से और कंधे पर बंदूक। ऐसा ही होता है देवराज चौहान, लड़ाई में जीत चाहिए चाहे कैसी भी हो। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी खड़ी देखी, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। क्या मतलब? 3, 4, 4, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। यानी कि दूसरी मंजिल पर 3, पहली यानी कि इस मंजिल पर 4, और 4 ही ग्राउंड फ्लोर पर टाइम बम मैंने फिक्स किए हैं, उसके बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ, और इन सब बमों के फटने में सिर्फ 20 मिनट ही रह गए हैं। वासवानी को काटो तो खून नहीं, कई क्षणों तक पलक झपकाने का नाम तक नहीं लिया। क्या हुआ वासवानी? देवराज चौहान का मीठा स्वर चेहरे से घुला था। वासवानी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तुमने यहाँ बम फिक्स किए हैं? वासवानी हक्का बक्का सा था। हाँ, डाबर बागले का यह सट्टा बाजार तो गया, जमीन से ही उखड़ गया समझो इसे। वासवानी के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। उसने जल्दी से टेबल के नीचे लगी बेल का बटन दबाया। देवराज चौहान के होठों से कहर भरी हंसी निकली। मैं तुम्हें अब किसी भी हाल में जिंदा छोड़ने वाला नहीं देवराज चौहान। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनी जान भी नहीं बचा सकते। देवराज चौहान मौत से भरी हंसी हंसा। तुम्हारे आदमी इन 20 मिनटों में उन 11 बमों को तलाश भी नहीं कर सकते, और जब वह फटेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ की कोई दीवार भी खड़ी होने पर बची रहेगी। तभी बंद दरवाजे के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ें, फिर जोरों से दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इसके साथ ही पुकारने की आवाज़ें, और अगले ही पल जैसे कयामत के पल थे। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी, फायर के 2 धमाके हुए, और वासवानी के दोनों साथियों की खोपड़ी की धज्जियाँ उड़ गई। इसके साथ ही रिवॉल्वर जेब में समा चुकी थी। वासवानी की आँखें फटी की फटी रह गई। ऐसा करना जरूरी था वासवानी, देवराज चौहान ने खूंखार लहजे में कहा। बात हम दोनों की थी, और तुमने इन दोनों को बीच में कूदने का ऑर्डर दे दिया था। शेरों की लड़ाई में गिदड़ों का क्या काम? वासवानी के चेहरे के भाव बदले, क्रोध से मुट्ठियां भिज गई उसकी। बाहर से दरवाजा भिड़बड़ाने की आवाज़ें और पुकारने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। इन बाहर वालों की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक यह भीतर आएंगे तब तक तुम जिंदा तो रहोगे नहीं। हराम जादे, वासवानी के होठों से भयंकर गुर्राहट निकली, और एक ही छलांग में टेबल फलांगता हुआ तीर की भांति देवराज चौहान से जा टकराया। देवराज चौहान को वासवानी से एकाएक ऐसी हरकत की आशा नहीं थी। वासवानी देवराज चौहान को लिए नीचे जा गिरा। नीचे देवराज चौहान था और ऊपर वासवानी। वासवानी के हाथ का पंजा देवराज चौहान की गर्दन पर टिक चुका था। देवराज चौहान के दांत भिज गए।
आंखों में क्रोध से भरा खून उतर आया। अपने ऊपर लदे वासवानी के कूल्हे पर देवराज चौहान ने वेग के साथ घुटना दे मारा। वासवानी के शरीर को तीव्र झटका लगा, उसका सारा शिकंजा उखड़ गया। देवराज चौहान से जुदा होकर वासवानी नीचे लुढ़कता चला गया। अगले ही पल दोनों उछलकर खड़े हो गए थे, खूंखार शेर की भांति एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को खाने को तैयार। देवराज चौहान को महसूस हो चुका था कि वासवानी भी कुछ कम नहीं है, खास तौर से हाथों से तो शिकार करने में माहिर है। वासवानी का अंदाज ही यह बात जाहिर कर चुका था। वासवानी के होठों से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान की सर्द निगाहें वासवानी पर टिकी रही। वासवानी खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ने लगा। देवराज चौहान उसी मुद्रा में खड़ा रहा, अलबत्ता उसकी आंखों में मौत के सर्द भाव उजागर हो उठे थे। एकाएक वासवानी का शरीर उछला और देवराज चौहान के शरीर से जा टकराया। बहुत खतरनाक वार था वासवानी का। वह अपना सिर देवराज चौहान के माथे पर मारकर एक ही बार में देवराज चौहान को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन वासवानी को अपना दाव आजमाने का पूरा मौका ही नहीं मिला। देवराज चौहान अपनी जगह से जरा सा हिला, हवा में आते वासवानी को हाथ से धक्का देकर उसका एंगल बदला। वासवानी देवराज चौहान के बगल से गुजरकर पेट के बल नीचे जा गिरा और उसी पल देवराज चौहान एड़ियों के बल घूमा और नीचे पड़े वासवानी पर जा गिरा, जो उठने जा रहा था। वासवानी कराह उठा, वह तड़पा खुद को आजाद कराने के लिए, परंतु देवराज चौहान का इरादा तो अब उसे हिलने देने का भी नहीं था। देवराज चौहान के होठों से भयानक गुर्राहट निकल रही थी। धीरे धीरे देवराज चौहान ने अपना एंगल बदला। उसने दोनों हाथों से फर्श पर पेट के बल पड़े वासवानी की दोनों टांगें पकड़ी। वासवानी से जल्दी से पलटना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने अपना जूता उसकी गर्दन पर रखकर सख्ती से उसे दबा दिया। वासवानी बिलबिला उठा। दरवाजे पर ठोकरें और पुकारने की आवाजें तेज हो गई थी। वासवानी का शरीर कमान की तरह हो रहा था। उसकी दोनों टांगें देवराज चौहान के हाथ में थी और पांव के नीचे गर्दन दबी हुई थी। वह तड़प रहा था, चीख रहा था। देवराज चौहान का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा था। आंखों में जैसे खून की सुर्खी दौड़ रही थी। जबड़े खतरनाक अंदाज में कसे हुए थे। गालों की हड्डियां बाहर की ओर झलकने लगी थी। वासवानी अगर इस वक्त देवराज चौहान का चेहरा देख लेता तो जाने उसका क्या हाल होता। नहीं, वासवानी के होठों से दबी दबी सी चीख निकली। देवराज चौहान के दांत किटकिटाने की आवाज आई। वासवानी की गर्दन जूते से दबाए उसकी दोनों टांगों को खींचकर टांगों को गर्दन की तरफ मोड़ने लगा। वासवानी का पेट नीचे फर्श पर लगा हुआ था। देवराज चौहान के ऐसा करते ही वासवानी के होठों से दीवारों को कपा देने वाली चीखें निकलने लगी। परंतु दरिंदा बना देवराज चौहान नहीं रुका। वासवानी की मौत और दहशत से भरी चीखें कानों को फाड़ने लगी। देवराज चौहान वासवानी की टांगों को मोड़ता जा रहा था। वासवानी पूरी चेष्टा कर रहा था कि वह देवराज चौहान के शिकंजे से निकल जाए, परंतु वह देवराज चौहान की मौत का शिकंजा था। एकाएक देवराज चौहान ने वासवानी की दोनों टांगों को पूरी शक्ति से झटका दिया। कड़ाक! वासवानी की रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। उसके बाद तो वासवानी की चीखों का जैसे बाजार गर्म हो गया। देवराज चौहान वासवानी से पीछे हट गया। देवराज चौहान का चेहरा किसी खूंखार शिकारी की तरह हो रहा था। आंखों से जैसे खून उबल रहा था। वासवानी की चीखें अब धीरे धीरे शांत पड़ती जा रही थी। ठीक इसी तरह देवराज चौहान का खूंखार रूप कुछ कम सा होने लगा था। अब उसकी निगाह कमरे के उस दरवाजे पर जा टिकी जिसे भिड़भिड़ाया जा रहा था, जो कभी भी टूट सकता था। अगले ही पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। वह पुनः खूंखार शिकारी के रूप में आ गया। देवराज चौहान उसी मुद्रा में आगे बढ़ा और दरवाजे के 20 फुट दूरी पर ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी खूनी निगाहें दरवाजे पर थी, जिसे कि अब तोड़ने की पूरी चेष्टा की जा रही थी और जो कभी भी टूट सकता था। और देवराज चौहान को भी इंतजार था दरवाजा टूटने का। करीब मिनट भर बाद इंतजार पूरा हुआ। दरवाजा टूटा। तीन दादा टाइप बदमाश रिवॉल्वरों को थामे टूटते दरवाजे के साथ लड़खड़ाते हुए भीतर आए। उन्होंने वासवानी की लाश, अन्य दोनों लाशें देखी, फिर देवराज चौहान के सुलग रहे चेहरे पर निगाह जा टिकी। देवराज चौहान की तरफ उनकी रिवॉल्वरें सीधी हुई। अगले ही पल उनकी रिवॉल्वरें देवराज चौहान की तरफ उठी। कई धमाके एक साथ हुए, परंतु फायर होने तक देवराज चौहान खुद को छाती के बल फर्श पर गिरा चुका था।
सुलगते हुए बारूदी अंगारे उसके ऊपर से गुजरते चले गए थे। उसके बाद देवराज चौहान ने उन तीनों को मौका न दिया। उसके रिवॉल्वर से एक के बाद एक तीन फायर हुए और उसके बाद उसे टूटे दरवाजे का बाहरी हिस्सा स्पष्ट नजर आने लगा। दरवाजे पर तीन और खतरनाक चेहरे मौजूद थे जो कि भीतर का नज़ारा देखते ही दाएं बाएं हो गए। एक ने साइड होते होते देवराज चौहान पर फायर कर दिया। देवराज चौहान ने करवट लेते हुए खुद को बचाया और फायर कर दिया, परंतु तब तक वह ओट ले चुका था, गोली उसे नहीं लगी। देवराज चौहान पेट के बल लेटे हाथ में रिवॉल्वर थामे दरवाजे को देखता रहा। मौत के यह पल देवराज चौहान पर भारी हो रहे थे क्योंकि सामने टूटे दरवाजे की ओट में दाएं बाएं रिवॉल्वरें थामे उसकी जान लेने को तैयार उसकी मौत के परवाने खड़े थे जो कभी भी उस पर फायर कर सकते थे, और उसके रिवॉल्वर का चैम्बर खाली हो चुका था। वह छह की छह गोलियां इस्तेमाल कर चुका था। देवराज चौहान के दांत सख्ती के साथ भिंच चुके थे, आंखों में मौत की परछाइयां तैर रही थी, उसकी खूंखार निगाहें दरवाजे की तरफ ही थी और वह धीरे से आगे सरका। वहां मरघट जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर वाले शायद उसके द्वारा गोली चलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। अगर उन्हें इस बात का जरा भी एहसास होता कि देवराज चौहान का रिवॉल्वर खाली है तो अब तक भीतर आकर देवराज चौहान को उन लोगों ने गोलियों से बुरी तरह भून डालना था। देवराज चौहान पुनः सांप की भांति एक ही बार में 2 फीट आगे सरक गया। करीब ही उन तीन आदमियों में से एक की रिवॉल्वर पड़ी थी जिन्हें उसने चंद पल पूर्व गोलियों से उड़ाया था। देवराज चौहान ने वह रिवॉल्वर उठाकर हाथ में थामी और अपनी रिवॉल्वर फर्श पर दे मारी जो कि तेज आवाज के साथ दरवाजे के बाहर निकली। तभी टूटे दरवाजे से दाएं बाएं के दो सिरों ने भीतर झांका। उसी पल देवराज चौहान की खोपड़ी हिली और एक का सिर उड़ गया। वह लहरा कर दरवाजे के बीचों बीच आ गिरा। दूसरा फौरन पीछे हट गया, परंतु रिवॉल्वर का रुख भीतर की तरफ करके फायर कर दिया और गोली देवराज चौहान के काफ़ी दूर से गुजर गई थी। देवराज चौहान ने लंबी छलांग मारी और टूटे दरवाजे के भीतरी तरफ कमरे में दीवार के साथ जा चिपका। चेहरे पर खूंखारतापूर्ण भाव थे और मस्तिष्क गोली सी सी रफ्तार से दौड़ रहा था। 6-7 मिनट बीत चुके थे, 15 मिनट बाकी थे बम फटने में। उसके बाद चारों तरफ तबाही तबाही नजर आनी थी और अगर यह लड़ाई इसी प्रकार चलती रही तो फिर उसने भी बच नहीं पाना था। उसके द्वारा लगाए गए बम विस्फोटों में ही उसने भी खत्म हो जाना था। बहुत ही नाजुक और खतरनाक समय था। देवराज चौहान समझ नहीं पा रहा था कि बाहर कितने आदमी हैं, जबकि वासवानी के मुंह से निकला था कि 15 आदमी हथियार बंद वहाँ हैं, मतलब कि टक्कर के लिए अभी वह काफ़ी थे और यह फायरिंग लंबी चल सकती थी, जबकि विस्फोटों के होने में ज़्यादा देर नहीं थी और देवराज चौहान उन विस्फोटों से पहले ही वहाँ से निकल जाना चाहता था। बेकार के टकराव में खामखा अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। वह मूंछ के बाल का सवाल नहीं था कि जो सामने है उन्हें शूट करके ही वहाँ से जाना है, सवाल यह था कि विस्फोटों के होने से पहले ही वहाँ से निकलना था। देवराज चौहान ने दीवार से कान लगाकर बाहर की आहटें सुनने की चेष्टा की, परंतु बाहर से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई दी। चंद पल ऐसे ही बीत गए। मेरी बात सुन रहे हो? देवराज चौहान के होठों से खतरनाक स्वर निकला। मौत से लिपटा सन्नाटा छाया रहा, कोई आवाज़ नहीं आई। मेरा बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम लोग यह सोचो कि मुझे जवाब ना मिलने पर मैं बाहर आ जाऊँगा, कोई बात करने के लिए ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, देवराज चौहान पुनः बोला। 2 क्षणों की चुप्पी के बाद खतरनाक स्वर देवराज चौहान के कानों से टकराया। क्या है? तुम लोग कितने हो? बहुत हैं। तुम जो भी हो, तुम्हें कम से कम मौत के दरवाजे के भीतर तो घुसेड़ ही देंगे, वह तो तुम्हारे किए बिना हो जाएगा। क्या मतलब? मैं यहाँ पर इस सट्टा बाजार में इतने बम लगा चुका हूँ कि उनके फटने के बाद यहाँ की एक छोटी सी दीवार भी सलामत खड़ी नहीं रहेगी। इंसानों के जिंदा होने की बात तो दूर रही, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। और उन बमों के फटने में सिर्फ 11 मिनट बाकी हैं, सिर्फ 11 मिनट। कोई जवाब नहीं आया। अगर हम लोग एक दूसरे पर इसी प्रकार गोलियां बरसाते रहे तो कोई भी ना बचेगा। अगर मौत पाने का इतना ही शौक है तो फायरिंग बंद करके 11 मिनट बीतने का इंतज़ार कर लो, मौत खुद ब खुद ही मिल जाएगी। कोई स्वर नहीं उभरा। लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई, देवराज चौहान ने भिचे दांतों से कहा। सब समझ में आ रहा है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते।
क्योंकि यह बात तुम अपनी जान बचाने की खातिर भी कह सकते हो, और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारी किसी भी बात में आने वाले नहीं। मेरी जान को कुछ नहीं हुआ है कि जिसे बचाने की खातिर मैं ऐसी घटिया झूठ का इस्तेमाल करूं। चाहो तो 11 मिनट का इंतज़ार करके भी देख लो। मौत से मुझे कभी खौफ नहीं लगा, लेकिन मैं बेकार की लड़ाई को ख़त्म करना चाहता हूं। हमारी यह लड़ाई पूरी रहे या अधूरी, लेकिन बम विस्फोट में हमारी मौत होना लाजमी है। साबित करो कि तुमने बम लगाए हैं। कैसे साबित करूं? देवराज चौहान बेहद सतर्क था। किसी एक बम की खबर दो कि वह कहां लगा है, बाहर से कहां गया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उसे बेकार कर दो। देवराज का स्वर सख्त हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।